हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, उसको कट किया जाता है 8 क्यूब्स में, ठीक है ना, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम इक्वल है। तो इसको 8 क्यूब्स में कट कर देते हैं, ठीक है ना, और वो भी इक्वल वॉल्यूम्स के। तो अब जो न्यू क्यूब्स बने हैं 8, उनमें से हर एक के बारे में ये कह रहा है कि अगर व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, वो जो क्यूब है नए, अब वो छोटे छोटे हो गए, तो उनका साइड क्या, उनकी जो साइड होगी वो उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और सरफेस एरियाज का हमको रेशियो बताना है। किस किस के सरफेस एरिया का? अब जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया, एंड जो नया क्यूब बनेगा, जो छोटे क्यूब्स होंगे उनका सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा देखो, साइड ऑफ द गिवन क्यूब 12 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे कैसे? भाई हमको साइड दे रखी है, अगर क्यूब है तो 12 × 12 × 12, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है साइड का क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसको अगर हम 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनका वॉल्यूम, तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे 12 क्यूब को। देखो 12 × 12 × 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इस तरीके से आएगा 6 × 6, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो कि दो दो से, तो 6 × 6 × 6, ठीक है ना। जो नया क्यूब होगा उसका वॉल्यूम 6 × 6 × 6 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम का हमको आंसर मिलेगा, लेकिन हमको एक्चुअली में फैक्टर ही करना है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई नहीं करते, हमको उसकी साइड फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम की, अगर वॉल्यूम है 6 × 6 × 6, तो उसकी साइड कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है ना। क्यूब की साइड कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि साइड का क्यूब ही तो वॉल्यूम होता है, तो जो नया क्यूब है उसकी साइड 6 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, जो बड़ा क्यूब था वो तो 12 × 12 × 12 का था, उसको हमने 8 से डिवाइड किया, तो 6 × 6 × 6 उसका वॉल्यूम रह गया, मतलब साइड 6 होगी नए क्यूब की, तो साइड होगी 6। अब हमसे क्या फाइंड करना है हमको, अब हमको फाइंड करना है द रिक्वायर्ड साइड ऑफ न्यू वॉल्यूम, न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर ना। अब हमको, एक तो हमको साइड फाइंड करनी थी, तो साइड तो हमने फाइंड कर लिया, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमको सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखो, सरफेस एरिया क्या होती है, सरफेस एरिया होती है क्यूब की 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 × साइड स्क्वायर मतलब 6 × पहले वाला जो क्यूब था वो, उसकी साइड 12 थी, तो 6 × 12 × 12, और जो नया क्यूब बना है उसकी साइड कितनी है, 6, उसकी साइड 6 ही है, तो 6 × साइड स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 × 6, ये तो 6 की मल्टीप्लाई हम करते हैं, और साइड भी 6 है, तो 6 × 6 × 6, तो पहले वाले 6 × 12 × 12 आएगा सरफेस, और नए वाले का 6 × 6 × 6 आएगा सरफेस एरिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 6 से 1 6 कैंसिल, इस 6 से 12 2 टाइम, इस 6 से 12 2 टाइम, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है ना, तो 4/1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो पहले वाला क्यूब था बड़ा वाला, उसका सरफेस एरिया, और जो अब नए छोटे छोटे क्यूब बने, इनमें से किसी एक के सरफेस एरिया का जो हम बात करते हैं रेशियो की, तो 4:1 आएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।